हिंदू के लिए सबसे महत्वपूर्ण गाय है, क्योंकि हिंदुओं के जो 33 कोटि देवता हैं वो अगर किसी एक जगह में रहते हैं तो वो गाय है। और उसका वेद में, शास्त्र में, पुराण में, सर्वत्र बहुत महात्म्य कहा गया है। ऐसी गाय जिसको हम माता कहते हैं, वो काट करके और उसके बोटी बोटी करके उसका मांस बेचा जा रहा है, इससे बढ़कर के दूसरा कलंक कौन हमारे माथे पर होगा और पीड़ा कौन सी हमारी होगी। तो स्वाभाविक है कि किसी भी हिंदू के मन में ये तो पीड़ा है ही है और इसके निवारण हो जाना चाहिए, क्योंकि अब 75 साल से ज़्यादा का समय हो गया देश में अपनी सरकार बने। जब दूसरे लोग थे हमसे पराए, वो अगर ये सब कर रहे थे तो उनको हटाया हमने, इसीलिए तो स्वराज्य स्थापित किया था कि गौ माता की हत्या रुक जाए, वो नहीं रुक रही है। तो इसीलिए ये सब प्रयास करने पड़ रहे हैं और आगे और भी जो प्रयास करने पड़ेंगे हम लोग करना चाहते हैं। किसी भी दशा में गौ हत्या को अब स्वीकार नहीं करना चाहते। केरल के बीजेपी के नेता में त्रासदी आई है, वहाँ भूस्खलन वगैरह हो गया है, ऐसी इस प्रतिक्रिया को आप क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये तो उनकी अपनी बात है, किस संदर्भ में कोई राजनेता क्या वक्तव्य देता है वो जाने। हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ गौ हत्या को महापाप बताया गया है और जहाँ ये पाप होता है वहाँ पर एक के बाद एक समस्याएं आती रहती हैं, विपत्ति आती रहती है, ये बात सही है। देश से जुड़ा हुआ एक बड़ा प्रश्न, आज एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर सरकार एक बिल लाना चाहती है ताकि जो उनके अधिकार हैं वो सीमित किए जाएं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है खरीदी बेची नहीं जा सकती है, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर हितधारकों से बात होनी चाहिए, केंद्र इस पर अगर बिल लाता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे मंदिरों में जो सरकारें प्रबंधन के नाम पर आकर के बैठ गई हैं उनको मंदिर का परिसर छोड़ देना चाहिए। धर्म का काम धर्माचार्यों को और धर्म के लोगों को करने देना चाहिए। जैसे हमारे लिए हम हैं वैसे बाकी बार मामले में भी देखा जाए। भाई वक्फ के बारे में अभी हमको पूरी बात नहीं पता है ना, क्या मामला है जब तक पूरी बात हम समझ न लें हम कुछ कह नहीं सकते। हमारी तो बात यह है कि हमारे मंदिरों में जो धर्मनिरपेक्ष सरकारें बैठी हैं उससे भी हमको समस्या है, इसीलिए हम चाहते हैं, मौका हमको मिला तो हमने अपनी बात कह दी है ना। आप व्यक्ति को अपना सूझता है, अभी वक्त के बारे में क्या हुआ है पूरी बात हमको पता नहीं है, पता होगी तो हम उस पर भी आपको बताएं। एक और सवाल मैं आपसे गांधी को लेकर कई चीजें हुई, राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे मेरी जाति क्यों पूछ रही है, तो एक तरफ जातीय जनगणना की बात भी चल रही है, तो अगर इस पर आपकी प्रतिक्रिया कि कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि लगातार विपक्ष तो सवाल उठा रहा है मगर नहीं। जो जाति की जनगणना की जो बात है वो एक पक्ष कह रहा है कि जाति की जनगणना होनी चाहिए ताकि जिसका जितना हिस्सा है, हिस्सेदारी उसकी है, उतनी उसकी भागीदारी हो जाए। दूसरे कह रहे हैं कि इससे हिंदू समाज में भेदभाव उत्पन्न होगा, बट बिखराव उत्पन्न होगा, जाति की बात नहीं करके एक हिंदू समाज है ऐसा कहना चाहिए। अब ये जो बहस है ये तो बहस चलेगी, अपने अपने पक्ष वो कहेंगे। हमारा ये कहना है कि हिंदू समाज भले अनेक जातियों में बटा हुआ है लेकिन हर जाति गाय को अपनी मां मानती है, इसलिए गाय का बिल लाना चाहिए। तो गाय का बिल अगर संसद में आएगा तो किसी भी जाति का हिंदू होगा वो उसका समर्थन करेगा। देखिए, एक हिंदू के लिए सबसे महत्वपूर्ण गाय है, क्योंकि हिंदुओं के जो 33 कोटि देवता हैं वो अगर किसी एक जगह में रहते हैं तो वो गाय है। और उसका वेद में, शास्त्र में, पुराण में, सर्वत्र बहुत महात्म्य कहा गया है। ऐसी गाय जिसको हम माता कहते हैं, वो काट करके और उसके बोटी बोटी करके उसका मांस बेचा जा रहा है, इससे बढ़कर के दूसरा कलंक कौन हमारे माथे पर होगा और पीड़ा कौन सी हमारी होगी। तो स्वाभाविक है कि किसी भी हिंदू के मन में ये तो पीड़ा है ही है और इसके निवारण हो जाना चाहिए, क्योंकि अब 75 साल से ज़्यादा का समय हो गया देश में अपनी सरकार बने। जब दूसरे लोग थे हमसे पराए,
वो अगर ये सब कर रहे थे तो उनको हटाया हमने, इसीलिए तो स्वराज्य स्थापित किया था कि गौ माता की हत्या रुक जाए, वो नहीं रुक रही है, तो इसीलिए ये सब प्रयास करने पड़ रहे हैं और आगे और भी जो प्रयास करने पड़ेंगे हम लोग करना चाहते हैं। किसी भी दशा में गौ हत्या को अब स्वीकार नहीं करना चाहते। केरल के बीजेपी के नेता में त्रासदी आई है, वहां भूस्खलन वगैरह हो गया है, ऐसी इस प्रतिक्रिया को आप क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये तो उनकी अपनी बात है, किस संदर्भ में कोई राजनेता क्या वक्तव्य देता है वो जाने। हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ गौ हत्या को महापाप बताया गया है और जहाँ ये पाप होता है वहाँ पर एक के बाद एक समस्याएं आती रहती हैं, विपत्ति आती रहती है, ये बात सही है। देश से जुड़ा हुआ एक बड़ा प्रश्न, आज एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर सरकार एक बिल लाना चाहती है ताकि जो उनके अधिकार हैं वो सीमित किए जाएं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है खरीदी बेची नहीं जा सकती है, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर हितधारकों से बात होनी चाहिए, केंद्र इस पर अगर बिल लाता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे मंदिरों में जो सरकारें प्रबंधन के नाम पर आकर के बैठ गई हैं उनको मंदिर का परिसर छोड़ देना चाहिए। धर्म का काम धर्माचार्यों को और धर्म के लोगों को करने देना चाहिए। जैसे हमारे लिए हम हैं वैसे बाकी बार मामले में भी देखा जाए। भाई वक्फ के बारे में अभी हमको पूरी बात नहीं पता है ना, क्या मामला है जब तक पूरी बात हम समझ न लें हम कुछ कह नहीं सकते। हमारी तो बात यह है कि हमारे मंदिरों में जो धर्मनिरपेक्ष सरकारें बैठी हैं उससे भी हमको समस्या है, इसीलिए हम चाहते हैं, मौका हमको मिला तो हमने अपनी बात कह दी है ना। आप व्यक्ति को अपना सूझता है, अभी वक्त के बारे में क्या हुआ है पूरी बात हमको पता नहीं है, पता होगी तो हम उस पर भी आपको बताएंगे। एक और सवाल मैं आपसे को लेकर कई चीजें हुई, राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे मेरी जाति क्यों पूछ ली, तो एक तरफ जातीय जनगणना की बात भी चल रही है, तो अगर इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया कि कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि लगातार विपक्ष तो सवाल उठा रहा है मगर नहीं। जो जाति की जनगणना की जो बात है वो एक पक्ष कह रहा है कि जाति की जनगणना होनी चाहिए ताकि जिसका जितना हिस्सा है, हिस्सेदारी उसकी है, उतनी उसकी भागीदारी हो जाए। दूसरे कह रहे हैं कि इससे हिंदू समाज में भेदभाव उत्पन्न होगा, बट बिखराव उत्पन्न होगा, जाति की बात नहीं करके एक हिंदू समाज है ऐसा कहना चाहिए। अब ये जो बहस है ये तो बहस चलेगी, अपने अपने पक्ष वो कहेंगे। हमारा ये कहना है कि हिंदू समाज भले अनेक जातियों में बटा हुआ है लेकिन हर जाति गाय को अपनी माँ मानती है, इसलिए गाय का बिल लाना चाहिए। तो गाय का बिल अगर संसद में आएगा तो किसी भी जाति का हिंदू होगा वो उसका समर्थन करेगा।